नॉर्मली ऐसा होता है कि पहले छोटे होते हैं और फिर बड़े बनते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो रहा है क्योंकि सिंघम के पास सुपर पावर हो चुकी है और उसने पहले बहुत बड़ा हुआ, थिएटर्स में गया, सबका बहुत सारा प्यार बटोरा और अब छोटा होकर वापस आ गया है प्यार लेने के लिए। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये पहले बड़ा होकर थिएटर गया जी, अब ये छोटा होकर आपके घरों में आ रहा है, आपके बच्चों से मिल रहा है डेली, छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं 21 अप्रैल से, वेकेशन उससे पहले हो जाएंगे, वेकेशन जैसे समर वेकेशन होते हैं हमारे, एंड तो सिंघम छोटा हो गया, आप छोटे से टेलीविजन सेट पे आएगा एंड बच्चों को खूब एंटरटेन करेगा। हमारा प्लान तो यही है कि बच्चों ने पहले जब शुरू की थी सिंघम तो एक्शन फिल्म थी, और तब हमने भी नहीं सोचा था कि फैमिली ऑडियंस को ये फिल्म इतनी पसंद आएगी और बच्चों को पसंद आएगी। जब कहीं भी आप जाओ, एयरपोर्ट जाओ, मॉल जाओ, पेरेंट्स मिलेंगे वो कहते हैं कि बच्चे देखो हमारा बेटा देखो ऐसे सिंघम की तरह करता है या हमारी बेटी ऐसे सिंघम की तरह करती है। तो कीपिंग दैट इन माइंड फिर ये प्लानिंग की हमने, ये लिटिल सिंघम बनाता है जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली बच्चों के लिए होगा, तो बच्चे कैसे, तो बच्चों का हक होगा इस पर बड़ों से ज़्यादा, तो ये बच्चों के लिए ओनली एंड ओनली फॉर अ किड्स। ओके, आरवी जब मूवी बनाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गाने होते हैं, डांस होता है, जो अलग अलग तरह से मूड को अट्रैक्ट करता है लोगों के, बट बच्चों के लिए कितना मुश्किल होता है कोई चीज़ बनाना जब आपको पता है कि आप बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं उसमें। हाँ, बट एक अलग वर्ल्ड वो तो होती है, और खासकर जब मेरी फिल्मों की बात आए तो अगर आप देखें तो फैमिली ऑडियंस के लिए ही बनती है, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। ऑब्वियसली लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ता है, एक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है, और क्या हम दिखा रहे हैं, विलन कौन है, वो बड़ा ही एनिमेटेड और वो वर्ल्ड होना बहुत ज़रूरी है जो बच्चों से रिलेटेड, उसके लिए आपको थोड़ा सा बच्चा बनना पड़ता है, एंड इन चीज़ों का ध्यान रखना तो बहुत ज़रूरी है कि एनिमेशन सीरीज़ में कि आप बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और वो आपकी मेन ऑडियंस है, तो उनको कोई एक गलत प्रभाव ना पड़े उन पर या कोई एक गलत सिग्नल ना मिले एंड पेरेंट्स ऑफेंड ना हो जाए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान एक्चुअली हाँ ये सारी चीज़ों का मोस्टली तो मैं हमारा ऐसा रहा है कि हम अपनी फिल्मों में ही ध्यान रखते हैं क्योंकि हमारी ऑडियंस जो है फैमिली ऑडियंस है, तो अगर आप फिल्में देखें तो उसमें भी इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तो इसमें तो स्पेशली ध्यान रखा गया है एंड आई थिंक किड्स विल एंजॉय इट। आप इसे प्रेजेंट कर ही रहे हैं बट साथ में जो मूवी की जो कास्ट थी उस उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है और क्या कुछ बातचीत हुई है स्पेशल? अजय सर नोज अबाउट इट, अजय जी को पता है, उन्होंने देखा नहीं, वो यहाँ थे नहीं, लौटे हैं तो उनको कल या परसों दिखाऊंगा एंड एंड उनको ये पता है कि हम लिटिल सिंघम बना रहे हैं, इज हैप्पी क्योंकि एक फ्रेंचाइजी एक नॉच और ऊपर जा रही है और पहली बार हिंदुस्तान में हो रहा होगा कि किसी फ्रेंचाइजी को लेके उसका एक एनिमेशन उस कैरेक्टर को लेके एक एनिमेशन सीरीज बन रही है फर्स्ट टाइम, आगे चल के और भी लोग करेंगे बट ये है कि शुरुआत हमने की है जो हमेशा एक इसे भी जैसे सिंघम को एक कल्ट स्टेटस मिला इसे भी मिलेगा कि जब भी आगे कोई अपनी फिल्म का एनिमेशन सीरीज बनाने की सोचेगा तो रेफरेंस पॉइंट हमेशा लिटिल सिंघम ही रहेगा। टीवी और बॉलीवुड की बात करें तो आपका देखने को मिलता है कि 50-50 टाइप हो गया है क्योंकि टीवी में भी आप उतने ही इन्वॉल्व हैं जितने कि बॉलीवुड में, सो हाउ इज यू आर मैनेजिंग द इंडियाज नेक्स्ट सुपर स्टार एंड ऑल, मतलब बहुत ही पॉपुलैरिटी के साथ हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ पीछे है। ऐसा है कि देखिए वो होता चला गया, टीवी करते करते आज 8-9 साल हो गए मुझे और फिल्में हैं और अच्छा लगता है काम करना, अच्छा लगता है जब लोग आपको इतना प्यार देते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और लोग आपको पसंद करते हैं, और टीवी एक बहुत बड़ा मीडियम है आज जो घरों में आपसे जो हम ब्रांड कहते हैं कि रोहित शेट्टी एक ब्रांड है या करण जौहर एक ब्रांड है, उसमें कहीं ना कहीं टीवी का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि हम टेलीविज़न करते हैं, टेलीविज़न की वजह से एक फेस सामने आ जाता है, लोग जानते हैं कि अच्छा ये रोहित शेट्टी हैं, और कहीं ना कहीं हम एक हाउस होल्ड ब्रांड बन जाते हैं और उससे एक अपनापन बढ़ता है कि अरे ये तो हमारा डायरेक्टर है, ये हमारा है, ये गोलमाल हमारी फिल्म है। सो टीवी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक एंड मुझे करीबन 8-9 साल हो गए टीवी करते हुए और मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है जब मुझे बेसिकली काम करना पसंद है, तो कोई भी एक अच्छा काम आए तो मैं और वक्त मिला तो मैं ज़रूर कोशिश करता हूँ मैं करूँ। और आप एक्टिंग भी शुरू कर चुके हैं थोड़ा बहुत, तो हमने देखा रियलिटी शो में, सो फुल फ्लेज्ड करवाने वाले ही बताइए। नहीं नहीं, टीवी और डायरेक्शन तक ही ठीक है, इतने में ही टाइम नहीं मिल रहा है और क्या करूंगा, अब एनिमेशन भी शुरू कर दिए। व्हाट अबाउट सिम्बा, क्या क्या तैयारियां चल रही है? सारा निकाला शुरू, सिम्बा अगले महीने शुरू है, एंड ऑफ मई शुरू होगी एंड तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, हमने प्री प्रोडक्शन हमारा फुल स्ट्रेंथ में चल रहा है एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड, मैं और रणवीर हमने एक ऐड किया था पहले चिंग्स का साथ में फिल्म कर रहे हैं
एंड एक जो भी मतलब अब तक पढ़ा है या जो लोगों से सुना है कि जो एक रणवीर और रोहित शेट्टी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जो एनर्जी मिल रही है, जो एक तो वो एक जो उसी तरह की फिल्म है, तो ऐसा नहीं है कि हम डर रहे हैं या हमें ऐसा लग रहा है कि यार लोग डिसअपॉइंट ना हो जाए, तो जो एनर्जी और जो धमाल और जो मस्ती देखना चाहते हैं वही उन्हें सिनेमा में मिलेगी। ओके ये जो न्यू जनरेशन आ गई है वापस से इंडस्ट्री में, सारा अली खान है, जानवी है, व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? आई थिंक इट्स वेरी गुड और ये तो चलता ही रहेगा, लोग आएंगे, न्यू जनरेशन आएंगे, नए बच्चे आएंगे, तो ये एक ये तो वक्त के साथ होता ही जाएगा। हर 5 साल 4 साल में न्यू जनरेशन आती है और फिर एक ऑडियंस को भी एक नए चेहरे देखने मिलते हैं, एक नया वे ऑफ, जैसे जब आलिया आई तो एक न्यू वे ऑफ परफॉर्मेंस उन्हें नज़र आया, देखने को मिला, एक फ्रेशनेस नज़र आई, तो जितने नए लोग आए उतना अच्छा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स नेक्स्ट विद करीना? अभी लिखना पड़ेगा, अभी तो हम सिम्मा में बिजी है, बट डेफिनेटली करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, और मतलब ये सारे लोग तो मतलब इनके साथ काम करके मुझे मज़ा आता है, अजय है, करीना है, इट्स लाइक अ फैमिली, अर्शद है, तुषार, श्रेयास, कुणाल, तब्बो, ये सब तो अच्छा लगता है इनके साथ, यू नो साथ में ही काम करना अच्छा लगता है, फिल्म कौन सी क्या ये इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।